हरलाखी प्रखंड कार्यालय में शांतिपूर्ण माहौल में तीसरे दिन नामांकन प्रक्रिया जारी रहा। वहीं नामांकन के तीसरे दिन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से कुल 1096 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल करवाया। वहीं तीसरे दिन मुखिया पद के लिए 21 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें 11 महिलाएं व 10 पुरुष शामिल हैं। पंचायत समिति पद के लिए कुल 34 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया। सरपंच पद के लिए 26 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं वार्ड सदस्य पद के लिए 268 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा दाखिल करवाया। वार्ड पंच के लिए कुल 111 अभ्यर्थियों ने अपना पर्चा भरा। इधर नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी एआरओ कार्य करने में मुस्तैद रहे। वहीं नामांकन के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बताइए, किस पद से नामांकन हुआ आपका? वार्ड सदस्य। कहाँ से, किस पंचायत से? पिपरौन पंचायत से। कितने नंबर वार्ड से हैं? 8 नंबर वार्ड से। आप अगर जीत के आते हैं तो अपने वार्ड की जनता के लिए आप क्या क्या काम करेंगी? भलाई करेंगे, और क्या करेंगे? क्या भलाई करेंगे? जो काम होगा वार्ड सदस्य का, वो करेंगे। नल जल में इतना लूट खसोट चल रहा है, उसका निर्णय होगा ना, जिताइएगा तब ना। आवास योजना का भी लूट खसोट चल रहा है, इसमें फिर सबका निर्णय होगा। सबका निर्णय करेंगे आप? जी। हेलो जी, आप कौन हैं इनके? जी, मैं इनका पति हूँ। अच्छा, आप इनके प्रतिनिधि हुए, और आप अगर जीत करके आते हैं तो इनका पूरा कार्यभार आप ही देखेंगे क्या? जी। तो अगर आप पूरा कार्यभार देखेंगे तो आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? हमसे जहाँ तक होगा हर संभव प्रयास करेंगे, और जितना भी इस पंचायत में लूट खसोट मचा हुआ है उसे हम निराकरण करेंगे। जहाँ तक संभव हो सके हम अपना ताकत लगाएंगे, जहाँ तक पंचायत में जितना विकास हो सके हम अपने दम पर करेंगे। पूर्व के जो वार्ड सदस्य हैं उनके कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं? जी, पूर्व में जो वार्ड सदस्य हैं वो जो भी किए हैं उनके, वो जब हम जीत कर आएंगे तो वो भी देखेंगे और कैसे होगा और क्या किए हैं वो। अगर कहीं गलत किए हैं उसका भी न्याय होगा, सही किए हैं उसका भी तारीफ होगा। अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम ललन कुमार मंडल। क्या चीज़ को उम्मीदवार हैं? किस पद से? पंचायत से। पंचायत। नाम क्या हुआ? पंचायत। नाम क्या हुआ? सत्या देवी। आप इनके प्रतिनिधि हैं? अभी पहली बार अभी नामांकन हो रहा है या इससे पहले? पहली बार हुआ है। अगर आप जीत के आते हैं तो आप जनता के बीच में आपके क्या काम दिखाएंगे? जो विकास का मामला है, विकास में हम लोग खड़े रहेंगे, पूरा विकास करेंगे। पंचायत समिति का क्या क्या काम होता है? पंचायत समिति का रोड हो गया, पुलिया हो गया, और समाज में बहुत सा ऐसा जरूरी पड़ता है उस समय। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। पंचायत का मुखिया जैसा हो, विकास में सहयोग करे, इंदिरा आवास पर ध्यान दे, रास्ता पूरा पर ध्यान दे। मैडम के नाम से सत्या देवी जिंदाबाद, सत्या देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्या देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्या देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चुका हूं, जनता का अपार असीम कृपा थी, काफी भारी बहुमत में जीता था। 20 साल बाद पुनः समाज सेवा से मैं लगातार जुड़ा रहा। पंचायती राज व्यवस्थाओं को देख कर मेरा मन उब गया। अब फिर से संकल्प लिया कि पुनः मैं समाज के बीच एक मुखिया का पदभार ग्रहण करके मैं समाज का तन मन धन से सेवा करूंगा। समाज में गरीबी को हटाना, रोजगारों को 100% रोजगार दिलाना, सबको बेहतर स्वास्थ्य मुहैया करवाना, सबको शिक्षित करके रोजगार से जोड़ना, ये हमारी जिंदगी की, ये हमारे कुर्सी की प्रथम हमारी होगी। क्या चीज़ को उम्मीदवार हैं? किस पद से? पंचायत से। पंचायत। नाम क्या हुआ? पंचायत। नाम क्या हुआ? सत्या देवी। आप इनके प्रतिनिधि हैं? अभी पहली बार अभी नामांकन हो रहा है या इससे पहले? पहली बार हुआ है। अगर आप जीत के आते हैं तो आप जनता के बीच में आपके क्या काम दिखाएंगे? जो विकास का मामला है, विकास में हम लोग
खड़े रहेंगे, पूरा विकास करेंगे। पंचायत समिति का क्या क्या काम होता है? पंचायत समिति का रोड हो गया, पुलिया हो गया, और समाज में बहुत सा ऐसा जरूरी पड़ता है उस समय। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मुखिया वार्ड नंबर 16 उधर पंचायत मनोहरपुर में जल नल योजना चालू कर दिया हूँ, पानी गिर रहा है और सड़क भी बनाए हुए हैं और जनता का जो भी समस्या है उस समस्या का भी समाधान हमने कर दिए हैं। जनता से हमसे कोई त्रुटि नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर मुखिया। इस वार्ड से 14 नंबर वार्ड है। कौन पंचायत कौन है? कुनार। जनरल आपके यहाँ आया है? नहीं आया है, उसी क्यों नहीं आया है? वो तो वार्ड सदस्य पहलका वाला जाने, वो बोलता है वो हमारा नल चालू था, हम कहता तुम्हारा कहीं नहीं चालू, वो भी हुआ अपना माल मार कर। कौन है वार्ड सदस्य? रजित मुखिया। रजित मंडल। अरे पूर्व में आवेदन दिया वीडियो के, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व में आवेदन भी दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वीडियो का आवेदन दिया, वीडियो साहब को भी आवेदन दे दिए। ठीक है।